हेलो गेमर्स, क्या हाल है, कैसे हो। तो भाई आज का वीडियो भी PUBG मोबाइल के सोलो मोड की कुछ स्ट्रेटजीज के ऊपर है। अब तक जो वीडियोस मैं आपके लिए सोलो गेम प्ले टैक्टिक्स के लेकर आया हूँ गाइज, उन सब वीडियोस को देखने के बाद भी आपका एक सवाल जू का तू है, यही कि कैंपर्स आपको बार बार मार देते हैं और कैंपर्स से कैसे बचें। तो गाइज ये छोटी सी बात समझ लो, आपके ज्यादातर कैंपर्स का शिकार दूसरे कैंपर्स ही बनते हैं। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता आया हूँ गाइज कि उस जगह जाओ ही मत जहाँ कैंपिंग का रिवाज है, जैसे जॉर्जोपुल, पोचिंकी, नोवोरेप, मिलिट्री बेस, यही वो जगह है जहाँ आपको प्रो कैंपर्स मिलते हैं। हम बार बार यहाँ लूट करने जाएं और कैंपर्स से मारे जाएं, इससे अच्छा है या जाओ ही मत। लेकिन सोलो मैच में सारी अच्छी लूट तो यही मिलती है, यहाँ जाएंगे नहीं तो लूट कैसे मिलेगी। लूट मिलेगी गाइस, जरूर मिलेगी। लूट तक खुद जाने से अच्छा है गाइस, लूट को अपने पास बुलाओ। अंदर दे दो इसके। तो लॉबी में चल रही कॉमेडी को सुनने के बाद मैं आगे बढ़ा। मैंने मिल्टा सिटी की मेन रोड से बगी उठाई और उसे लेकर मिल्टा फैक्ट्री चल दिया। रास्ते में एक बॉट पर बगी चढ़ाते हुए मैंने लाकर यहाँ लगा दी। यही मिल्टा फैक्ट्री के पास एक ऐसी लोकेशन है गाइस जहाँ आपका व्हीकल किसी को दिखता नहीं है, क्योंकि अगर मेरे बाद किसी आते एनिमी ने मेरा व्हीकल देख लिया तो ऑब्वियसली वो आएगा ही नहीं। और ठीक ऐसा ही हुआ गाइस, पीछे से एक एनिमी भी लूट करने आ गया और आते हुए मुझे अपनी गाड़ी छुपाने का ये फायदा मिला गाइस, एक किल फ्री में मिल गया मुझे। तो यहाँ से लूट फिनिश करने के बाद मैं शेल्टर और मिल्टा सिटी के बीच में जो कंपाउंड है वहाँ जाकर रुका। आसपास छिपे कैंपर्स को बेट करने के लिए मैंने यहाँ फ्लेयर गन चला दी, फिर फटाक से जाके अपनी बगी घर के अंदर छुपाई और छत पे चढ़ गया। गाइस थोड़ी देर बाद शेल्टर से एक कैंपर आया और ड्रॉप के बराबर में आके लेट गया। कौन कैंपर? वही कैंपर गाइस जिनसे बार बार मरने की आपको शिकायत रहती है। तो सबसे पहले तो मैंने उसकी बगी के टायर फोड़े ताकि वो किसी भी तरह वहां से बच के ना जा पाए। आखिरकार वो कैंपर जो आपको बार बार मार देते हैं, उन कैंपर्स को सबक सिखाना बहुत जरूरी है गाइस। तो उस कैंपर का हेलमेट डैमेज करने के बाद मैं उसकी तरफ निकल गया, क्योंकि अब उससे क्लोज एनकाउंटर में मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। लेकिन वो तो था कैंपर, अपने पैरों पर खड़े होकर खेलने की उसे प्रैक्टिस नहीं थी। तो भाई वो कैंपिंग करता करता मेरी बगी के आगे वाले टायरों के नीचे आ गया। सरप्राइज मदरफकर, #RIP कैंपर्स इन द चैट गाइस। तो भाई इसके बाद मैं बढ़ा दूसरे नॉर्मल ड्रॉप पर, क्योंकि आखिर ड्रॉप गिरेंगे जहां कैंपर ही कैंपर मिलेंगे वहां। तो भाई इसी के साथ बड़ी आसानी से मजे मजे में मेरे 5 किल पूरे हो गए और मैं निकल दिया बाकी कैंपर्स का RIP करने। तो मैंने जहाँ फ्लेयर चलाई थी उसके पास ही मुझे फाइट होती दिखी और मुझे मौका मिल गया थर्ड पार्टी करने का। ऐसे में स्क्वाड हाउस में घुसने से अच्छा था मैंने दूर जाकर हाई ग्राउंड ले लिया, क्योंकि बहती गंगा में हाथ धोने का मजा ही कुछ और है। एक स्क्वाड हाउस में छुपे कैंपर पर किसी ने पुश कर दिया था और अब एक के बजाय मुझे 2 किल मिलने वाले थे। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर छुपे कैंपर को दूसरे एनिमी ने नेड से फिनिश कर दिया। तो मैंने भी अपने 8x स्कोप का एम उसकी क्रेट पर सेट कर दिया। और ये जो क्विक स्कोप टेक्निक आप अभी देख रहे हो गाइस, अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, इसे जिगल कहते हैं। ये एक बहुत ही लाजवाब क्विक स्कोप ट्रिक है गाइस, जिसे सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स ऑटोमेटिक स्नाइपर्स पर यूज करते हैं और इसकी प्रैक्टिस आप बड़ी ही आसानी से ट्रेनिंग मोड में कर सकते हो गाइस। मैं यहाँ से किल सिक्योर करने के बाद आगे बढ़ा दूसरे कैंपर्स की तलाश में और कुछ देर बाद मुझे पता चला कि एक स्क्वाड हाउस में नए कैंपर की एंट्री हो चुकी थी। थोड़ी देर तो मैंने इस कैंपर पर नेट बेट ट्रिक यूज की, जिसके बारे में तो अब आप जानते ही हो क्योंकि मैं आपको काफी वीडियोज में ये बता चुका हूँ। लेकिन जब कोई भी नेट की ट्रिक काम नहीं आई तो मैंने धीरे धीरे क्लोज इन करने की सोची, क्योंकि ज्यादा देर बाहर रुकना भी रिस्की था गाइस। मैं ऊपर गया तो मुझे इन भाई साहब के फुटस्टेप से पता चला कि ये छत पर चढ़ गए थे, इसलिए मैंने नीचे उतारने के लिए फेक हीलिंग ट्रिक यूज करनी शुरू कर दी। अब थोड़ी ही देर में इन भाई साहब को स्नाइपर का चाटा पड़ा और ये भाई साहब पैनिक होकर मेरे क्रॉस हेयर के आगे कूद पड़े। तो गाइस यहाँ 2 और कैंपर्स को लॉबी का रास्ता दिखाने के बाद मेरे 8 किल्स पूरे हो गए थे। इतने में ही मेरे पास पड़े ड्रॉप पर एक डासी आकर रुकी। मैच की लास्ट फ्यू जोन्स में अपने व्हीकल पर बैठने से पहले स्मोक करना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि लास्ट जोन्स में हर जगह स्नाइपर्स होते हैं। तो भाई मैं जोन की तरफ बढ़ा तो एक और कैंपर दिखा।
इसको फिनिश करते ही अपनी यूएस पर स्मोक डाला और वहां से निकलने का प्लान बनाया। गाइस अगर मैं वहां रुका रहता तो कोई और कैंपर मुझे बड़ी आसानी से मार देता। तो ये जो मैच की लास्ट कुछ जोन्स बचती हैं गाइस, इनमें मेरे दो ही ऑब्जेक्टिव रहते हैं, एक जोन से बाहर से आ रहे कैंपर्स को पेलना और दूसरा जोन के अंदर लड़ रहे दो एनिमीज को थर्ड पार्टी करना। ठीक इसीलिए मैंने यहाँ जोन के एज पर गाड़ी रोकी और फुटस्टेप सुनने लगा। फिर मैंने मैप खोला और नेक्स्ट बनने वाली जोन का एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जहां पर सैंडविच होने के चांसेस सबसे कम हो, वहां पर अपना पॉइंटर लगा दिया और निकल गया। गाइस ये तो आप जानते ही हो कि एक मैच को बड़ी आसानी से जीतने के लिए जोन की बेस्ट पोजीशन को सिक्योर करना बहुत जरूरी है, और यही इस जोन की एक ऐसी पोजीशन थी गाइस जहां पर दो रॉक्स का कवर था। तो जैसे ही मैंने ये पोजीशन सिक्योर की, ये तय हो गया था कि मुझे ये मैच जीतने से अब कोई नहीं रोक सकता। अब बस ध्यान रखने वाली बात ये थी कि मैं अपनी ही गलती से ना मारा जाऊं, क्योंकि प्रेशर में अच्छे अच्छे प्लेयर्स ऐसा कर देते हैं गाइस। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं। अब थोड़ी देर में मुझे एक प्रोनी दिखा, लेकिन उसे हेडशॉट मारने में मैंने 2 सेकंड वेस्ट कर दी। मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन ये गलती आप मत करना, हमेशा क्रॉस हेयर सेट करने के बाद ही स्कोपिंग करो। तो भाई अब बच गए आखिरी 2 प्लेयर, और क्योंकि बेस्ट पोजीशन मेरे पास थी तो एनिमी मुझे दिख ही गया। ये पूरा मैच जो आपने अभी देखा गाइस, बस इसकी स्ट्रेटजीज याद रखना, क्योंकि जो नेक्स्ट गेम प्ले मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ वो मैं ये सेम स्ट्रेटजीज यूज करते हुए ही खेलूंगा, ताकि उन प्लेयर्स को जिन्हें 1% भी डाउट है इन स्ट्रेटजीज पर, वो 1% डाउट भी अगले गेम प्ले को देखकर क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स कमेंट गाइस, मिलता हूँ फिर, गुड बाय गेमर्स।